हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो आज हम करने वाले हैं फोटोशूट, आउटडोर फोटोशूट। मैं सोच रहा था कि कौन सी लोकेशन पर फोटोशूट किया जाए, तो मैं बाद में सोचा कि हम पार्किंग की एग्जिट साइड, जैसे कि बिल्डिंग की साइड में कुछ इस टाइप के आपको लोकेशन दिखने को मिलता है, तो हम इस जगह कुछ एकदम बावल टाइप की पोजेस कर सकते हैं। तो पोज बहुत ही मजेदार होने वाला है, बस स्किप मत करना। और गाइस, जितनी भी फोटोज होगा एंड प्रीसेट, ये सब लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड नॉन एडिट फोटो को आप एडिट करके ट्राई कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में पोजेस के साथ साथ आपको कैमरा एंगल वगैरह सब पता चल जाएगा, मतलब हम लाइव फोटो क्लिक करने वाले इस वीडियो में। तो चलो ज्यादा टाइम खराब ना करते, हम वीडियो को शुरू करते। तो ओके, हम फोटोशूट कर लेते हैं। और जो फोटो क्लिक करेगा वो करेगा मोकी ब्रो, आ जाओ यार। और मैं जो कैमरा यूज़ कर रहा हूँ सोनी 6400 और 50mm लेंस है। और गाइस, पहले हम आपको लोकेशन के बारे में बात करते हैं। जितने भी लोकेशन होता है ना, जिस जगह आप फोटो क्लिक कर सकते हो, उस जगह लिखा नहीं होता कि इस जगह बेटर फोटो होगा, वो आपको ढूंढ के निकलना है बस। और पहले हम कैमरा सेटिंग देख लेते। वाह हीरो, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। वाह, कुछ मैं ट्राई करके देखता हूँ अभी। तो पहले कुछ ऐसे ट्राई करके देखते, कुछ इस तरह से देखते हैं। रखो, तो कुछ इस टाइप की लोकेशन होता है ना, मतलब ऐसा कुछ होता है ना, तो पोज कुछ अलग लेवल की होगा, आप देख सकते हो। तो देखते हैं कैसा होता है। एंड ऐसे एक फोटो क्लिक करके देखते, थोड़ा हाफ एंगल, थोड़ा और आ, बस 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 बस। इसमें और एक ट्राई करके देखते हैं, ये इस तरह से था ना, तो हम इस साइड घूम जाते, लुक्स इसी साइड होगा ऐसे। ठीक ठाक है ना, इसमें थोड़ा डाउन एंगल ही ठीक है ना, थोड़ा हाइट ज्यादा ज्यादा लगेगा, मतलब वाइड एंगल की थोड़ा लुक आएगा ऐसे। और क्या है कि ये जो लोकेशन है ना, थोड़ा पार्किंग एग्जिट साइड है, मतलब इसी बिल्डिंग के साइड पार्किंग एरिया है। इससे पहले मैं एक फोटो पोस्ट किया था पार्किंग एरिया की, उसमें मैंने फुल वीडियो ही बनाया था, लेकिन किस्मत के फल है वीडियो डिलीट हो गया। चलो हम उधर ट्राई करते, इधर भी पोस्ट कर सकते थे, करके देखो। नहीं करना, इधर इस साइड देखते। तो इधर कुछ गुफा गुफा सा लग रहा है वे, आवाज भी डबल हो रहा है। हाँ ठीक ठाक दिख रहा है ना। तो इसमें हम कुछ रैंडम क्लिक करेंगे, मतलब वॉकिंग स्टाइल में, जैसे कि मैं बिजी इंसान हूँ, वैसे भी बिजी इंसान ही हूँ। फोन यूज करते, फोन यूज करके, मतलब हाई स्पीड पे क्लिक करना है बस। वैसे क्या होता है कि मैं फुल वॉकिंग करूँ ना, मतलब एकदम 2 से 3-4 कदम ऐसे चलूँ, तो वो फोटो उतना परफेक्ट नहीं होता। तो अक्सर मैं देखता हूँ, ज़्यादा चलता हूँ, मतलब फ्रेम से बाहर जाता हूँ, तो फ्रेम सेट करने में ये सब टाइम जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक कदम ऐसे रखेंगे, ये वाला आगे रखते हैं, ऐसे रखेंगे। रखने के बाद पीछे वाला जो कदम होगा ना, वो हम बस अप करेंगे इस तरह से, ऐसे रखेंगे। और लुक्स को ठीक रखेंगे, और जैसे विजय वाला लुक है, इस तरह से फोन यूज करेंगे। एकदम जहर है भाई। तो आप कुछ ऐसी कुछ ट्रिक यूज करके अब ऐसे वॉकिंग स्टाइल में फोटो क्लिक कर सकते हो। एक साथ अगर आप ज्यादा वॉकिंग करोगे, 4-5 कदम लोगे, तो फ्रेम से बाहर जाओगे, मतलब फ्रेम सेट करने में टाइम जाएगा आपका। फोकस पॉइंट है, फ्रेम है, ये सब एक साथ 2 दिन नहीं होता। इसमें चलो ये सनग्लास यूज करके देखते, इसमें एंगल थोड़ा सामने से के साइड होगा, मतलब थोड़ा कॉर्नर होगा, थोड़ा कॉर्नर होगा, और इधर बस बस। और क्या होता है अगर आपका फोटो एकदम इस साइड से क्लिक करोगे, तो उतना बेटर नहीं होगा। क्या होता है अगर कुछ इस तरह से आप पॉज करते हो ना, और ऐसे घूमोगे, तो आपका साइड फ्रेम होगा, जिससे आपका फोटो में उतना अच्छा लुक नहीं आता। इसी फ्रेम को अगर आप ठीक करना चाहते हो, तो आप थोड़ा फ्रंट के साइड से, मतलब थोड़ा एकदम एंगल वगैरह ठीक करके क्लिक करना, जिससे फोटो और बेटर होता है। तो हम ऐसे क्लिक करके देखते हैं, कुछ अलग अलग करने की ट्राई करते हैं ना। We'll be right back.
इसके जैसा मत करना, मतलब एक क्षण से फोटो क्लिक करोगे तो क्लैरिटी को एकदम कंफर्टेबल हो। अब भाई घंटा हो ऐसे फोटो क्लिक होता है क्या? अभी हम ड्रेस चेंज कर लेते हैं एंड हम नेक्स्ट इस साइड देखेंगे, एग्जिट साइड देखेंगे, इस पर एक ट्राई करते हैं एंड इस पर भी ट्राई करते हैं। हाँ पहले इधर करके देखते हैं, इसमें ऐसा हूँ तो नॉर्मल पोज कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, बस ऐसे करना नहीं है, थोड़ा अलग करना है। तो हम अलग देखते हैं, कुछ इस तरह से देखते हैं, बैठने में तकलीफ होता है भाई। और एक इस पर फोटो क्लिक करेंगे, और गाइस इसमें ऑलरेडी मेरा फोटो है, जो इस फोटो के साथ साथ इधर जो क्लिक करेंगे इसके साथ साथ वो फोटो भी मैं दिखा दूंगा, वो भी मैं वीडियो के लिए बनाया था लेकिन वो वीडियो डिलीट हो गया। और इसमें फोटो क्लिक करने टाइम आपको कुछ बात ध्यान रखना है, क्या होता है कि अगर आप इस साइड क्लिक करोगे तो बाहर की जो जितने भी नेचुरल लाइट है जिससे आपका फुल बॉडी में लाइट होगा, लेकिन अगर आप इस इतना अंदर के साइड करोगे तो थोड़ा ब्राइटनेस कम होगा, जिसके लिए आप परफेक्ट करना कुछ इस तरह से करना। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है, इधर एकदम नेचुरल लाइट है लेकिन बैकग्राउंड पे थोड़ा डार्क है जो आप देख सकते हो, और पीछे के साइड और भी हाईलाइट है, जिस वजह से आप हाईलाइट के साइड कुछ हाईलाइट कलर ग्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें अलग लेवल की होगा, जिसका प्रीसेट आपको नीचे दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उधर से आप डाउनलोड कर लेना। देन हम इधर एक फोटो क्लिक करके देखते हैं, इससे पहले भी क्या है इसी जगह, तो हम इसमें ऐसे करेंगे, ऐसे फोटो क्लिक करेंगे, इसमें क्या है ये पैर सीधा होगा लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा इस साइड होगा, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। एंड इसमें आप अलग अलग पोज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एंड सनग्लास इस तरह से पकड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आपके हिसाब से कर लेना। तो मैं कुछ ऐसे ट्राई करता हूँ ना, ऐसे ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो आपको कौन सी पोजेस अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर देना, और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इसी तरह से वीडियो आता रहेगा तो सब्सक्राइब करके रखना अगर नहीं किया तो। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, बाय दो, बाय बाय।